Good morning, students. Hope you all are well and fine. My dear students, I am your teacher, Rajeshwari Patro. Welcomes you to my English class. In today's class, we are going to start a new topic. So, in mathematics, you must have done footprints of different animals, isn't it? So, you also find the area of footprints. Now, see. In today's class, in English, we are also going to learn about footprint and get more information about what is a footprint and where you can find your footprints. Okay? The title of the chapter is Robinson Crusoe Discovers a Footprint. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovered a footprint on the sand. Let's find out what he did then. My dear students, it's a very interesting chapter. Okay? You must have listen about the islands. Okay? आइलैंड क्या होता है? टापू होती है जिसको चारों तरफ पानी घेर के रहती है और बीच में बहुत बड़ा लैंड ऑक्यूपाइड एरिया होता है. ज़्यादातर यहाँ पर जो लैंड होती है वो एकदम हरियाली से भरा रहता है, क्योंकि जैसे कि चारों तरफ पानी की कमी कभी नहीं होती है, तो बहुत बड़े बड़े विशाल पेड़ यहाँ पर मिलते हैं. और साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर और जहरीले सांप वगैरह पाए जाते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में. ठीक है, ये एक द्वीप का समूह होती है. यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं, लगभग 325 से ज़्यादा आइलैंड्स होते हैं ये अंडमान एंड निकोबार में. तो बिल्कुल उस वैसे ही एक आइलैंड पर अभी रॉबिन्सन क्रूसो अकेला पड़ गया है. वो तो शिप लेके निकला था अपने देश से, लेकिन क्या हुआ कि जैसे वो सफ़र कर रहा था, शिप में बहुत सारे अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस होते हैं, जैसे कि ज़्यादा विंड के कारण और पायरेट्स के कारण, यानी कि समुद्री डाकुओं के कारण जो शिप होती है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, यानी कि ख़त्म कर दी जाती है. तो अभी देखिए कि ये जो है रॉबिन्सन क्रूसो का शिप भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है. नाउ सी, वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी द फुटप्रिंट ऑफ ए मैन ऑन द सैंड. जैसे कि आपने जाना है कि रॉबिन्सन क्रूसो अभी एक आइलैंड पर है, यानी कि एक टापू में है, जहाँ वो केवल अकेला ही है, कोई और नहीं है. पेड़, पक्षियाँ, पशुओं के अलावा रॉबिन्सन क्रूसो एक ही आदमी है जो वो टापू पर अभी रह रहा है. तो वो हमेशा अपने शिप की खोज में निकल जाता है दिन में और अपने शिप को खोजते रहता है. वो कोस्टल एरियाज़ में, यानी कि जो सी शोर के एरियाज़ में हमेशा आ जाता है और देखता रहता है कि कोई मुझे अगर अदर शिप भी मिल जाए तो मैं उनके साथ अपने देश को रवाना हो जाऊंगा. लेकिन कुछ इस तरह की घटनाएं उसके साथ होती है जिसके द्वारा वो बहुत ही डर जाता है. ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं. एक दिन क्या हुआ, वो अपनी बोट और शिप के खोज में शीशोर पर आया था और वो आश्चर्यचकित होकर रह गया कि वहाँ पे उसने किसी दूसरे का पैरों का निशान देखा था. आपने भी देखा होगा, अगर आप कभी समुद्र के तट पर हो या नदी के तट पर गए होंगे, तो जैसे जैसे आप नदी के गीले बालू के ऊपर अपना पैर रखते जाओगे, आपका फुटप्रिंट बनता जाएगा, है ना? आज सारे बच्चे कुछ जगह को गीला करेंगे, आपके घर के अगल बगल के कुछ जगह अगर गीले हैं तो वहाँ पे अपना फुटप्रिंट को देखेंगे, अपना पैर को रखेंगे और फुटप्रिंट को देखेंगे. ठीक है,
I stood amazed. I listened. I looked around me. I could neither hear nor see anything. वो बहुत ही आश्चर्यचकित होकर खड़ा हो गया. वो सुनने लगा. वो चारों तरफ देखने भी लगा. I looked here and there. वो इधर उधर देखने भी लगा. Now see, I could neither hear nor see anything. लेकिन उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, ना ही किसी की आवाज़ भी सुनाई दी है. इसका मतलब ये है, उसने तो किसी दूसरे का पैरों का निशान देखा था, इसी कारण वो कौन किसका पैरों का निशान हो सकता है उसको जानने के लिए वो इधर उधर देखा था ज़रूर, किसी और की आवाज़ों को सुनने की कोशिश ज़रूर किया था, लेकिन वो इस काम में असफल रहा. ना ही उसको किसी की चेहरा दिखाई दी, ना ही किसी की आवाज़ भी सुनाई दी है. Now see, I went up the shore and down the shore. मैं किनारे में आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे पीछे भी होता गया. But it was no good. लेकिन ये एकदम विफल ही रहा है. I could find no other footprint but that one. और ये आश्चर्य होने वाली बात है, क्योंकि अगर किसी के दो पैर होते हैं तो दो फुटप्रिंट बनना चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फुटप्रिंट कैसे बन सकता है. इसी की खोज में वो इधर उधर भटकता रहा था, लेकिन उसको कुछ नहीं पता चला. आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देर वेर एनी मोर फुटप्रिंट्स. वो फिर उसी जगह पर गया जहाँ पैरों का निशान था, कि कोई और फुटप्रिंट भी वहाँ पे है. एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माय इमेजिनेशन, कि ये मेरी खाली एक सोच थी. उसकी दिमाग में हो सकता है, कभी कभी हमारा सोच भी हम लोगों को बहुत परेशानी में डाल देते हैं, है ना. अगर सोच अच्छे होते हैं तो उसका फल भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन सोच कुछ अलग होते हैं, यानी कि कुछ नेगेटिव सोच हमारे दिमाग में आते हैं कि मेरे एग्ज़ाम कैसे होगा, मैं एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आंसर कर पाऊँगा कि नहीं. ठीक है, तो पहले से हमें अच्छा सोच को डेवलप करनी चाहिए अपने अंदर. नाउ सी एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माय इमेजिनेशन, क्या ये मेरा सोच ही था जो मुझे ये परेशानी में डाल रहा है. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ. मैंने देखा वहाँ पे फुटप्रिंट को दोबारा. फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ ए फुट, लेकिन उसी जगह पर एक पैर का निशान जरूर था. टॉयज हील एवरी पार्ट ऑफ द फुट. टॉयज मीन्स जो फुट की उंगलियाँ होते हैं उसकी निशान थी. हील एड़ी की निशान था, और फुट की हर एक पार्ट की निशान वहाँ पे साफ दिख रहा था. I could not imagine how it came there. मैं अभी ये सोच भी नहीं सकता था कि ये फुटप्रिंट कहाँ से आ गया और कैसे. I stayed a long time thinking. मैं इसी के बारे में सोचता रहा पूरा दिन. उसी फुटप्रिंट को देखकर मैं केवल यही सोच में पड़ गया कि ये फुटप्रिंट एक ही फुटप्रिंट है और ये कहाँ से आ गया. Now see, I stayed a long time thinking, but became more and more confused. जितना मैं गहराई से सोचता रहा उतना मेरे अपने आप को confusion, मेरी confusion जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी. ठीक है. Now, at last, I returned my home very frightened. Finally, क्या हुआ, दिन बीतता गया, सूर्य ढलने लगी. So वो रात को तो वहाँ पे रह नहीं सकता था, वो अपना घर वापस हो गया. तो यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर वो आइलैंड पर अकेला था तो उसका घर कहाँ से आ गया. बच्चों, मैं आपको बता रही हूँ कि ये कहानी के आगे आप लोग पढ़ोगे कि उसका घर एक गुफाई था. आइलैंड पर बहुत सारे पहाड़ भी होते हैं, पहाड़ियाँ भी होती हैं. सो उसी में एक गुफा को ही वो अपना घर बना लिया था. इट मीन्स रॉबिन्सन क्रूजो वॉज यूज टू
that cave. Okay? Now, looking behind me after every two or three steps, फिर वो इतना डरा हुआ था वो फुटप्रिंट को देखकर, वो तो यही ग्रहण कर लिया था कि ये जो टापू पर वो अकेला नहीं है, यहाँ पर कोई और भी रह रहा है जिसकी पैरों के निशान उसके सामने आज आई थी। और वो इतना डरा हुआ था कि हर दो फुट आगे बढ़ने के बाद वो अपना पीछे की तरफ मुड़ता फ्रिक्वेंटली देख रहा था कि कोई है क्या मेरे पीछे, मिस्टेकिंग एवरी बश एंड ट्री टू बी ए मैन। और वो इतना गलत फहमी में पड़ गया था कि उसको लग रहा था कि हर एक ट्री एंड बशेस जो है, बश का मतलब झाड़ी होती है, हर झाड़ी और पेड़ को वो एक आदमी ही समझने लगा। तो सोचो उसकी डर कितना ज़्यादा बढ़ गई थी, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, और ये पैराग्राफ्स के कुछ न्यू वर्ड्स यहाँ पे लिखे गए हैं, सारे बच्चे इसको अपने कॉपी में लिखेंगे। नाउ सी, अमेज्ड, अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड, ओके। नीदर हियर नॉर सी, इट्स कंजक्शन, ये एक संयोग, दो सेंटेंस को संयोग करने के लिए एक शब्द है नीदर एंड नॉर, ठीक है। हैव नॉट लिसेंड नॉर सीन, ठीक है, ना ही उसने देखा था ना ही सुना था। श्योर मीन्स द कोस्टल एरिया, समुद्री के तट, तट देश को श्योर कहा जाता है। फुटप्रिंट, द प्रिंट ऑफ ए फुट ऑन द सैंड। इमेजिनेशन, द थिंकिंग पावर। मिस्टेकन, रॉन्गली एक्सेप्ट एनीथिंग। मिस्टेकन मीन्स रॉन्गली एक्सेप्ट एनीथिंग, उसने ग्रहण कर लिया था मन में, ठीक है। सो यहाँ पे मिस्टेकन जहाँ पे यूज हुई थी तो उसका यथार्थ कुछ इस तरह का है कि वो हर एक पेड़ और झाड़ी को गलत से सोच रहा था कि ये भी कोई आदमी ही है जिसका निशान उसने वहाँ पर देखा था, ठीक है। एग्जैक्टली मीन्स सर्टेनली और रियली। कन्फ्यूज्ड, अनेबल टू फाइंड द कंक्लूजन। एंड फ्राइटेंड मीन्स अफ्रेड। नाउ यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट डाउन ऑल दिस न्यू वर्ड्स इन योर कॉपी एंड राइट डाउन द सेंटेंसेस यूजिंग सच न्यू वर्ड्स। थैंक्स।